महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। बिहार के पूर्व सीएम जीताराम मांझी महागठबंधन छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी कोऑर्डिनेशनल कमेटी अब तक नहीं बन पाने पर चिंता जताते हैं, तो कोऑर्डिनेशनल कमेटी को महागठबंधन के लिए जरूरी बताते हैं। कभी अपने बेटे को सीएम पद का तेजस्वी यादव से अधिक योग्य उम्मीदवार बताते हैं। अब तो वो महागठबंधन से लोकसभा के लिए 5 सीटों की मांग भी करने लगे हैं। वो दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग के बहाने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। नीतीश कुमार भी उनके बारे में कह चुके हैं कि मांझी जी का मन कभी भी डोलने लगता है। नीतीश कुमार का साथ ना छोड़ने की मांझी कसम भी खाते हैं। इमोशनल टच देने के लिए पत्नी का हवाला देते हैं कि उसने नीतीश का साथ ना छोड़ने की शपथ दिलाई है। फिर कहते हैं कि कसम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में क्या चल रहा है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि उनको मनाने का काम भी महागठबंधन की रहा। जीताराम मांझी ने महागठबंधन पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी हमको 5 सीटें देने की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। दूसरे दरवाजों का सीधा अर्थ बीजेपी से है। अमित शाह से मिलने के बाद से ही कयास लगाए जाते रहे हैं कि अब मांझी एनडीए फोल्डर में जाने वाले हैं। 5 सीटों की उनकी मांग को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है। मांझी के तेवर को देखते हुए जदयू ने अब उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जीताराम मांझी की हफ्ते भर में हुई 2 मुलाकातों को इस नजरिए से देखा जा रहा है। पहली बार विजय चौधरी मिलने के लिए मांझी के आवास पर पहुंचे, तो दूसरी बार खुद मांझी मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। दोनों के बीच बातचीत क्या है और किस मुद्दे पर हुई है, इसका कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि यह मांझी को मनाने की दिशा में जदयू का कदम है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच उनकी पार्टी जदयू से पुराने साथी निकलते जा रहे हैं। अब तक करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ सिलसिला शंभुनाथ, सुहेली मेहता, मीना सिंह, मुनाजर हसन जैसे जदयू के बड़े नेताओं तक पहुंचा है। आने वाले दिनों में कुछ और भी साथ छोड़ दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार पर यह तोहमत तो लग रही है कि वो अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगे। अगर 7 दलों के महागठबंधन से मांझी की पार्टी अलग हो जाती है तो यह नीतीश की साख पर एक और बट्टा साबित होगा। जीताराम मांझी का कोई बड़ा जनाधार तो नहीं रहा है, लेकिन परसेप्शन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि मजबूरी में ही सही वो बिहार के सीएम रह चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वो गया जिले के इमामगंज सीट से 15,000 वोटों से जीते थे। उनके बेटे और अन्य ने भी हम के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। यानी मांझी की पार्टी के विधानसभा में 4 विधायक हैं। मांझी की पार्टी का वोट शेयर 2-3% से अधिक नहीं है। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में अभी लघु सिंचाई वो SSC ST कल्याण महकमे के मंत्री हैं। मांझी ने उन्हें सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव से भी योग्य उम्मीदवार की बात कह चुके हैं। हालांकि खुद संतोष मुख्यमंत्री की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं, इसीलिए जीताराम मांझी किसी के साथ भी जाए पर सबसे से अधिक कोई लाभ उस दल या गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। हाँ, वोट के मामले में मामूली असर तो मांझी डाल ही सकते हैं। बता दें कि जीताराम मांझी भले 4 विधायकों और 0 सांसदों वाली पार्टी के नेता हों, लेकिन महागठबंधन के साथ रहने के कारण उनके बेटे के पास मंत्री का रुतबा है। मांझी अगर महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो जाहिर है कि उनके बेटे का मंत्री पद भी छन जाएगा।
एनडीए अगर राज्य में सरकार बनने पर उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने या इससे भी बड़ा कोई और ऑफर देता है तो इसके लिए पक्के तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अगली बार एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मांझी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि इसी दुविधा के वो शिकार बने हुए हैं, इसीलिए बार्गेन के नियत से वो महागठबंधन के साथ एनडीए से भी समान संपर्क बनाए हुए हैं। बिहार के लोग कहते हैं कि मांझी कुछ भी बोलते हैं पर करते अपनी मन की है, वो बिना किसी फायदे के कोई निर्णय नहीं लेंगे। अलबत्ता बार्गेन का प्रयास भी जारी रखेंगे ताकि कुछ तो हासिल हो ही जाए। तो आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है, तो यहाँ महागठबंधन में ही कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।